हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन अनदर लेसन फॉर योर प्रीमिक्स सीरीज जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं आपके प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करते हैं नाउ प्रीलिम्स हैव बीन डिफोर्ड राइट एंड इट इज़ वन थिंग दैट हैज़ बीन ट्रैवलिंग स्टूडेंट्स फॉर अ लॉट ऑफ टाइम पर इंपॉर्टेंट है आप इन ऑफ बिंग स्ट्रेस्ड या इंस्टेड ऑफ वंडरिंग कि अब मैं क्या करूँ यू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम ठीक है अगर आपने इस टाइम को गेनफिली यूज कर लिया तो आपकी ना ही प्रीलियम्स बल्कि आपका जो मेन्स है उससे भी उसके लिए भी जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है राइट बिकॉज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है आपके पास अवेलेबल होगा राइट सो बिफोर वी हैड टू द एम सी क्यूज जो कि बहुत ज़रूरी है रेगुलर रिविजन लेट जस्ट लुक एट वॉट आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन डू ठीक है ना दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ़ प्रेपरेशन जो आपकी हुई हुई है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस प्रेपरेशन को लेके अगर तो आपको लगता है कि आपने प्रिपेयर कर लिया है बट अभी भी बहुत अपडेट्स थी बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं एंड यू वांट टू मेक ग्रेट यूज़ ऑफ दैट टाइम वी हैव आ क्रैश कोर्स पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो कि अवेलेबल है जिसके अंदर रेफरेंस वीडियोस होंगी करंट अफेयर्स एंड डायनामिक अपडेट्स की वीडियोस होंगी साथ ही में हर दिन के बाद एक मिनी क्विज होगा अलोंग विथ टेस्ट सीरीज नेक्स्ट लेवल है अगर आपको लगता है यू हैव कवर्ड मोर और लेस ऑफ सब्जेक्ट्स, बट देर इज़ वन सर्टन सब्जेक्ट जिसके लिए जिसमें जो है आपको लगता है अभी भी आप वीक हैं ठीक है ठेके? तो इकॉनमी हो गया हिस्ट्री हो गया पॉलिटी governance हो गया साइंस एंड टेक हो गया environment हो गया आपको लगता है कोई एक है जो आपका प्रॉब्लम एरिया है या फिर उसकी अपडेट्स जो हैं आप पूरी तरह से अभी भी रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज जो है हमारा क्रैश कोस अवेल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि आपका वीक एरिया है यू टेक दैट यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज गो थ्रू ऑल द अपडेट ऑल द डायनामिक करंट अफेयर जिसमें आपको अगेन मिनी टेस्ट एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं वो भी मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रीलिम्स वाला रिविजन है मोर लेस डन है एंड यू आर कॉन्फिडेंट ठीक है या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं बट ऑब्वियसली आप पूरे दिन में शायद सिर्फ वो नहीं करेंगे राइट सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्पेंड फोर आवर्स डूइंग दिस यू स्टिल हैव से टू थ्री आवर्स वे यूट वो ऑन जो आप कहीं और लगाना चाहते हैं ठीक है तो ऐसे चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मेन्स आंसर राइटिंग ठीक है एंड दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बिकॉज प्रीलिम्स क्रैक करना जरूरी है बट मेन्स के ही मार्क्स जो है आपको रैंक दिलाएंगे तो ट्वेंटी फोर डेज की हम मेन्स आंसर राइटिंग शुरू करेंगे हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा हर रोज़ का एक क्वेश्चन आएगा ठीक है शेड्यूल वाइज जो है डल जाएगा हर सब्जेक्ट जो कि मेन्स के अंदर आता है जीएस वाइज तो जीएस वन के ये सब जीएस टू के ये सब्जेक्ट जीएस थ्री के जीएस फोर के वो उनके सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज इंक्लूडिंग एथिक्स के टॉपिक्स एज वेल एज केस स्टडीज जो हैं वो दिए जाएंगे ट्वेंटी फोर डेज ट्वेंटी फोर क्वेश्चन टू अटेम्प्ट आधा घंटा आप लगा लीजिए आपको करने को लग गया हर क्वेश्चन उसके बाद जो है फीडबैक आपको मिलेगा सो यू हैव टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट प्लस मॉडल आंसर जो है वो भी मिलेगा अलोंग विद अ व विडियो सोल्यूशन ठीक है तो इससे जो है ए आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है उसको आप मेंस के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी आप सीख जाएंगे आंसर राइटिंग भी अच्छे से हो जाएगी एंड हार्डली हाफ एन आवर टू वन आवर जो है इसमें आपका लगेगा ठीक है नॉट मोर देन दट ठीक है इम्पोर्टेंटली हमने अभी लॉन्च किया बिकॉज वी वो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बिकॉज पीपल वॉन्टेड टू प्रैक्टिस मेन्स आंसर राइटिंग तो मे टेंथ तक जो है ये नाइनटीन नाइनटी नाइन का जो है मिलेगा पोस्ट मे नाइनटीन्थ जो है ये ट्वेंटी फोर नाइनटी नाइन का हो जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंटली जरूरी है आप इन चीजों के साथ साथ हमारे प्रीमिक्स और प्री क्योर को रेगुलरली देखते रहें टू मिनट सीरीज कम्स एट टेन जहां पे इंपॉर्टेंट स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक टॉपिक्स जो हैं क्रूशियल वाले वो डिस्कस किए जाते हैं उसको जरूर देखिए प्री क्योर बिकॉज यू रोट नो हाउ डिले इज गोइंग टू बी तो हर हफ्ते के आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो मिल रहे हैं लुक एड प्री क्योर एंड लास्टली जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो कम है डिस्पाइट द टेस्ट सीरीज डिस्पाइट मिनी टेस्ट अगर आपको रोज के ये पांच के प्रीमिक्स के क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं तो वाई नॉट डू दम ठीक है और इनकी कंपाइलेशन जो है सारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है <laughs> लास्टली फॉर दो आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एक जो है आप एक शेड्यूल बनाए ताकि आप प्रैक्टिस शुरू कर सके तो हमारा ह्यूजली पॉपुलर प्री प्लस मेन्स बैच जो पी सी एम बैच था जो हमारा पिछली बार हमने चलाया था उसका ट्वेंटी ट्वेंटी वन एडिशन जो है हम जल्द ही अनाउंस करेंगे सो प्लीज स्टे फोकस फॉर दैट टू अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की था पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है अबाउट द गरुड पोर्टल पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियेन एंड डी जी सी ए सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि पोर्टल जो है, ये यूज किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स के लिए जो कि रिक्वायर्ड है ड्रोनस एंड यूएवीज उड़ाने के लिए बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पर्पस ठीक है इसमें से आपने देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है आपके ऑप्शंस हैं वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू, या नीदर 1 नो 2 यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं आई एम करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट गरुड पोर्टल आपने अगर ये प्रीक्योर आज का देखा होता तो आपको ये पता होता इसलिए मैं कह रही हूँ प्रीक्योर देखना बहुत जरूरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डी ने जो है ये गरुड पोर्टल लॉन्च किया है बट इसका काम क्या है ये कुछ कंडीशनल एग्जेपन दे रहे हैं Only to government agencies जिनको ये remotely piloted aircraft systems चाहिए होती है जैसे कि drones, UAVs हो गए COVID related COVID 19 pandemic से deal करने के लिए In fact गरुड का जो है है? वो गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है तो इनफैक्ट ये यूआईन के लिए नहीं है बल्कि आप किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं कोविड नाइनटीन पैंडमिक्स के लिए ये उसके लिए है एंड सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए है ये, ठीक है जो राइट यू आई एन जो है बेसिकली जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जैसे गाड़ी का नंबर होता है वैसा ही एक नंबर है जो कि ड्रोन्स के लिए जो है यूज किया जाएगा ड्रोन के लिए बनाया जाएगा जिसके जो आपको चाहिए ड्रोन्स उड़ाने के लिए राइट right? ये यू आई एन या फिर जो आपको परमिट चाहिए होता है जो कि आपका अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट है वो गरुड पोर्टल से नहीं बल्कि उसके लिए जो है एक डिजिटल स्काई नामक पोर्टल है जो ये काम करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है इनमें से कौन सी सेंट जो है करेक्ट है अबाउट गवर्नमेंट ई मार्क किटलेस अगेन प्रीक्योर इफ यू हैव एन वॉच प्रीक्योर आई वुड रेकमेंड गो बैक वॉच प्रीक्योर देन अटेम दिस प्रीमिक्स ठीक है पहला है कि ये एक हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है सेकेंड स्टेटमेंट कहती है ये प्रोक्योर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो की जरूरत होते हैं दोनों ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड होलसेलर्स को ठीक है आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नन ऑफ दी अबव ठीक है यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर अगेन इज ए वन ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है गवर्न ई मार्केट पर एब्सोटली करेक्ट हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन सेक्शन एट कंपनी है ये चूंकि सेटअप की गई है एज अ नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर किए जाते हैं बट ये जो है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ओनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो गई कुछ डिप्टमेंट्स हो गए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गए लोकल बॉडीज हो गई या ऑटोनॉमस ऑर्गनाइजेशन हो गए

राइट टू एजुकेशन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोनों पे ही फोकस कर रही है सेकंड कहती है कि ये सिर्फ प्रोवाइड करती है वोकेशनल सब्जेक्ट फॉर क्लासेस इलेवंथ एंड ट्वेल्थ और यही इसका फोकस एरिया है राइट एंड नॉट प्री स्कूल आपके ऑप्शंस है वन ओनली टू ओनली बोथ टू या नीदर वन नो टू ठीक है अगर आप हमारे क्रैश के बच्चे हैं गवर्नेंस के अंदर आपको बताई गई है, so correct, right? is, जो है वो गलत है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये जो की एम एच आर डी द्वारा लॉन्च की गई ये इंटेग्रेटेड स्कीम है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास ट्वेल्थ एंड एंश्योर करती है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिल सके हर स्कूल के लेवल पे टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं टू टीज जो है इसका मेन फोकस होगा टीचर्स के क्वालिटी टीचिंग मिले और टेक्नोलॉजी की यूज से जो है अच्छे से ये हो सके ये सब ज्यूम करेगी तीन स्कीम्स को विच इज सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन इस एजुकेशन स्कीम का एक हिस्सा हाउ एवर इज ऑल्सो द वोकेशनल पार्ट जहां पे एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो है ऑफर किया जाएगा क्लासेज इलेवन क्लासेस नाइन्थ टू ट्वेल्थ के बच्चों को ठीक है तो पूरा जो आपका हाई स्कूल है तो नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनको जो है ये ऑफर किया जाएगा अलोंग विद जनरल एजुकेशन ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ सके तो हाई स्कूल जो है उनके लिए भी एक एस्पेक्ट है बट इसका ये मतलब नहीं कि वो प्री स्कूल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट समुद्र सेतु और कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है पहला कि ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सेकेंड जो ये स्कीम है जिसका मतलब सी ब्रिज होता है ये पुश करने की कोशिश करती है ब्लू ओशन इकोनमी को ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके मतलब आपकी ग्रोथ प्लस इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों हो सके आपके ऑप्शंस हैं वन ओनली टू ओनली बोथ वन नोट एंड टू या नीदर वन नो टू ठीक है यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज डी नीदर वन नो टू दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है इंडियन नेवी ने जो है रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया है जिसका करेक्ट मतलब है सी ब्रिज इसका पर्पस क्या है बेसिकली इंडियन सिटीजन जो बाहर फंसे हुए हैं इन दिस कोविड पैंडमिक उनको वापस लाना तो इसका जो फेज़ वन है रिसेंटली शुरू हुआ है इंडियन नेवी जो है पूरा इसमें काम करेगी सुटेबल प्रेपरेशन करेगी इनको इवेक्यूएट करेगी बाई सी सारी की सारी जो नेसेसरी uh, रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल फूड सोन सोफोद सब प्रोवाइड करेगी और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है यहां पर फॉलो किए जाएंगे ये ऑपरेशन जो है कोर्डिनेट हो रहा है बाई थ्री वेरियस मिनिस्ट्रीज विच इंक्लूज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर हेल्थ मिनिस्ट्रीज और साथ में ही बहुत और गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ठीक है आपको ये साइंस एंड टेक के अंदर कराई गई थी तो यू शुड बी गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट काफी इजी क्वेश्चन है ये पहला ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जहाँ पे फंडिंग जो है कम्पलीटली इनिशियल फंडिंग जो है कम्प्लीटली सेंटर जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी सेकेंड जन औषधि केंद्र जो है लोकेट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और एन भी इनको रन कर सकते हैं ठीक है आपके पास ऑप्शन हैं वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नीद वन नो टू और यहाँ पे सही जवाब है आपका बी टू ओनली सेकेंड स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ये जो स्कीम है इट इज एन इनिशिएटिव नॉट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर बल्कि जो आपका ब्यूरो ऑफ फार्मा फार्मा पी एस यूज ऑफ इंडिया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मासमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आता है ठीक है ये स्कीम जो है बेसिकली टारगेट करती है कि आप हेल्थ केयर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस कर सकें बाई प्रो

ड्यू अटेंशन आप सब ये कोर्सेज जो हैं सारे लेक्चर्स जो हैं रेगुलरली देख रहे हैं एंड आपकी प्रेपरेशन में कोई लैग नहीं आना चाहिए नहीं तो यू ऑल विल एंड अप रिग्रेटिंग इट मेजरली ठीक है तो कीप स्टार्टिंग कीप सेफ राइट थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर